वो घर शमशान है जिसमें प्रभु चर्चा न हो। आज का मानव इतना व्यस्त है कि चाह कर भी भजन के लिए समय नहीं निकाल पाता। ऐसी परिस्थिति में गीता का संदेश कर्ण कुहरों तक पहुंच भर जाए तो परम श्रेय और समृद्धि के संस्कारों का बीजारोपण हो जाता है। भगवान की वाणी के इन कैसेटों से दिन भर उस परम प्रभु का स्मरण बना रहेगा और यही भजन की आधारशिला है। ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता श्रीमद् भगवद् गीता अथ नवमो अध्याय। प्रस्तुत अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने स्वयं चर्चा की कि योग युक्त पुरुष का ऐश्वर्य कैसा है, सब में व्याप्त रहने पर भी वो कैसे निर्लेप है, करते हुए भी वो कैसे अकर्ता है, उस पुरुष के स्वभाव एवं प्रभाव पर प्रकाश डाला। योग को आचरण में ढालने पर आने वाले देवतादिक विघ्नों से सतर्क किया और उस पुरुष के शरण होने पर बल दिया। श्री भगवान उवाच। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभा। योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, असूया अर्थात डाह ईर्ष्या रहित तेरे लिए मैं इस परम गोपनीय ज्ञान को विज्ञान सहित कहूंगा, अर्थात प्राप्ति के पश्चात महापुरुष की रहनी के साथ कहूंगा कि कैसे वो महापुरुष सर्वत्र एक साथ कर्म करता है, कैसे वो जागृति प्रदान करता है, रथी बनकर आत्मा के साथ कैसे सदैव रहता है। यत् ज्ञात्वा, जिसे साक्षात जानकर तू दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाएगा। वो ज्ञान कैसा है, इस पर कहते हैं, राजविद्या राजगुह्यम् पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमम् धर्म्यम् सुसुखम् कर्तुमव्ययम्। विज्ञान से संयुक्त ये ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है। विद्या का अर्थ भाषा ज्ञान अथवा शिक्षा नहीं है। विद्या ही का ब्रह्म गति प्रदाया सा विद्या या विमुक्तये। विद्या उसे कहते हैं कि जिसके पास आए उसे उठाकर ब्रह्म पथ पर चलाते हुए मोक्ष प्रदान कर दे। यदि रास्ते में रिद्धियों सिद्धियों अथवा प्रकृति में कहीं उलझ गया तो सिद्ध है कि अविद्या सफल हो गई, वो विद्या नहीं है। ये राज विद्या ऐसी है जो निश्चित कल्याण करने वाली है। ये सभी गोपनीयों का राजा है। अविद्या और विद्या के अवगुंठन का अनावरण होने पर योग युक्तता के पश्चात ही इससे मिलन होता है। ये अति पवित्र उत्तम और प्रत्यक्ष फल वाला है। इधर करो उधर लो, ऐसा प्रत्यक्ष फल वाला है। ये अंधविश्वास नहीं है कि इस जन्म में साधन करो फल कभी दूसरे जन्मों में मिलेगा। ये परम धर्म परमात्मा से संयुक्त है। विज्ञान सहित ये ज्ञान करने में सरल और अविनाशी है। अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। परंतप अर्जुन, इस धर्म में अर्थात जिसका थोड़ा भी साधन करने पर विनाश नहीं होता, श्रद्धा रहित पुरुष मुझे प्राप्त न होकर संसार क्षेत्र में भ्रमण करता ही रहता है, अतः श्रद्धा अनिवार्य है।
क्या आप संसार से परे हैं? इस पर कहते हैं, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। मुझ अव्यक्त स्वरूप से ये सब जगत व्याप्त है, अर्थात मैं जिस स्वरूप में स्थित हूं वो सर्वत्र व्याप्त है। सभी प्राणी मुझमें स्थान पाए हैं, किंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं, क्योंकि मैं अव्यक्त स्वरूप में स्थित हूं। महापुरुष जिस अव्यक्त स्वरूप में स्थित हैं, वहीं से अर्थात शरीर छोड़कर उसी अव्यक्त स्तर से ही बात करते हैं। इसी क्रम में आगे कहते हैं, न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। वस्तुतः सब भूत भी मुझमें स्थित नहीं है, क्योंकि वे मरण धर्मा है, प्रकृति के आश्रित हैं, किंतु मेरे योग माया के ऐश्वर्य को देख कि जीवधारियों को उत्पन्न और पोषण करने वाला मेरा आत्मा भूतों में स्थित नहीं है। मैं आत्म स्वरूप हूं, इसलिए मैं उन भूतों में स्थित नहीं हूं। यही योग का प्रभाव है। इसको स्पष्ट करने के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण दृष्टांत देते हैं। यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गोमः तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। जैसे आकाश में ही उत्पन्न होने वाला महान वायु आकाश में सदैव स्थित है, किंतु उसे मलिन नहीं कर पाता, ठीक वैसे ही संपूर्ण भूत मुझमें स्थित है ऐसा जान। ठीक इसी प्रकार मैं आकाशवत निर्लेप हूं, वे मुझे मलिन नहीं कर पाते। प्रश्न पूरा हुआ। यही योग का प्रभाव है। अब योगी करता क्या है? इस पर कहते हैं, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। अर्जुन, कल्प के विलय काल में सब भूत मेरी प्रकृति अर्थात मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं, और कल्प के आदि में मैं उनको बार बार विसृजामि विशेष रूप से सृजन करता हूं। थे तो वे पहले से, किंतु विकृत थे, उन्हीं को रचता हूं, सजाता हूं। जो अचेत हैं उन्हें जागृत करता हूं, कल्प के लिए प्रेरित करता हूं। कल्प का तात्पर्य है उत्थानोन्मुख परिवर्तन। आसुरी संपद से निकलकर जैसे जैसे पुरुष दैवी संपद में प्रवेश पाता है, यहीं से कल्प का आरंभ है, और जब ईश्वर भाव को प्राप्त हो जाता है वही कल्प का क्षय है। अपना कर्म पूरा करके कल्प भी विलय हो जाता है। भजन का आरंभ कल्प का आदि है, और भजन की पराकाष्ठा जहां लक्ष्य विदित होता है कल्प का अंत है। जब ये प्रत्यगात्मा योनियों के कारणभूत राग द्वेषादि से मुक्ति पाकर अपने शाश्वत स्वरूप में स्थिर हो जाए, इसी को श्री कृष्ण कहते हैं कि वो मेरी प्रकृति को प्राप्त होता है। जो महापुरुष प्रकृति का विलय करके स्वरूप में प्रवेश पा गया, उसकी प्रकृति कैसी? क्या उसमें प्रकृति शेष ही है? नहीं। अध्याय 3 के 33वें श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण कह चुके हैं कि सभी प्राणी अपनी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, जैसा उनके ऊपर प्रकृति के गुणों का दबाव है वैसा करते हैं।
और ज्ञानवानपि, प्रत्यक्ष दर्शन के साथ जानकारी वाला ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के सदृश चेष्टा करता है। ये पीछे वालों के कल्याण के लिए करता है। पूर्ण ज्ञानी तत्वस्थित महापुरुष की रहनी ही उसकी प्रकृति है। वो अपने इसी स्वभाव में बरतता है। कल्प के क्षय में लोग महापुरुष की इसी रहनी को प्राप्त होते हैं, महापुरुष के इसी कृतित्व पर पुनः प्रकाश डालते हैं। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। अपनी प्रकृति अर्थात महापुरुष की रहनी स्वीकार करके प्रकृतेर वशांत, अपने अपने स्वभाव में स्थित प्रकृति के गुणों से परवश हुए इन संपूर्ण भूत समुदाय को मैं बारंबार विसृजाम, विशेष सृजन, विशेष रूप से सजाता हूं। इन्हें अपने स्वरूप की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता हूं। तब तो आप इस कर्म से बंधे हैं। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। अध्याय 4 के 9वें श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा था कि महापुरुष की कार्य प्रणाली अलौकिक है। अध्याय 9 के 4वें श्लोक में बताया, मैं अव्यक्त रूप से करता हूं। यहां भी वही कहते हैं, धनंजय, जिन कर्मों को मैं अदृश्य रूप से करता हूं उसमें मेरी आसक्ति नहीं है। उदासीन के सदृश स्थित रहने वाले मुझ परमात्म स्वरूप को वे कर्म नहीं बांधते, क्योंकि कर्म के परिणाम में जो लक्ष्य मिलता है उसमें मैं स्थित हूं, इसलिए उन्हें करने के लिए मैं विवश नहीं हूं। ये तो स्वभाव के साथ जुड़ी प्रकृति के कार्यों का प्रश्न था। महापुरुष की रहनी थी, उनकी रचना थी। अब मेरे अध्यास से जो माया रचती है वो क्या है? वो भी एक कल्प है। मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। अर्जुन, मेरी अध्यक्षता में अर्थात मेरी उपस्थिति में सर्वत्र व्याप्त मेरे अध्यास से ये माया अर्थात त्रिगुणमयी प्रकृति, अष्टधा मूल प्रकृति और चेतन दोनों चराचर सहित जगत को रचती है, जो क्षुद्र कल्प है और इसी कारण से यह संसार आवागमन के चक्र में घूमता रहता है। प्रकृति का यह क्षुद्र कल्प जिसमें काल का परिवर्तन है, मेरे अध्यास से प्रकृति ही करती है, मैं नहीं करता। किंतु 7वें श्लोक का कल्प आराधना का संचार एवं पूर्ति पर्यंत मार्गदर्शन वाला कल्प महापुरुष स्वयं करते हैं। एक स्थान पर वे स्वयं करता है जहां वे विशेष रूप से सृजन करते हैं। यहां कर्ता प्रकृति है जो केवल मेरे आभास से ये क्षणिक परिवर्तन करती है, जिसमें शरीरों का परिवर्तन, काल परिवर्तन, युग परिवर्तन इत्यादि आते हैं। ऐसा व्याप्त प्रभाव होने पर भी मूल लोग मुझे नहीं जानते। यथा अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मुझे मनुष्य शरीर के आधार वाला और तुच्छ समझते हैं। संपूर्ण प्राणियों के ईश्वरों का भी जो महान ईश्वर है,
उस परम भाव में मैं स्थित हूं, किंतु हूं मनुष्य शरीरधारी। मूढ़ लोग इसे नहीं जानते, वे मुझे मनुष्य कहकर संबोधित करते हैं। उनका दोष भी क्या है? जब वे दृष्टिपात करते हैं तो महापुरुष का शरीर ही तो दिखाई पड़ता है। कैसे वे समझे कि आप महान ईश्वर भाव में स्थित हैं? वे क्यों नहीं देख पाते? इस पर कहते हैं, मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञानाविचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। वे वृथा आशा, अर्थात जो कभी पूर्ण ना हो ऐसी आशा, वृथा कर्म अर्थात बंधनकारी कर्म, वृथा ज्ञान अर्थात जो वस्तुतः अज्ञान है, विचेतसः विशेष रूप से अचेत हुए राक्षसों और असुरों के से मोहित होने वाले स्वभाव को धारण किए होते हैं, अर्थात आसुरी स्वभाव वाले होते हैं, इसलिए मनुष्य समझते हैं। असुर और राक्षस मन का एक स्वभाव है, न कि कोई जाति या योनि। आसुरी स्वभाव वाले मुझे नहीं जान पाते, किंतु महात्मा जन मुझे जानते और भजते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमं व्ययम्। हे पार्थ, परंतु दैवी प्रकृति अर्थात दैवी संपद के आश्रित हुए महात्मा जन मुझे सब भूतों का आदिकरण अव्यक्त और अक्षर जानकर अनन्य मन से अर्थात मन के अंतराल में किसी अन्य को स्थान न देकर केवल मुझ में श्रद्धा रखकर निरंतर मुझे भजते हैं। किस प्रकार भजते हैं? इस पर कहते हैं, सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। वे निरंतर चिंतन के व्रत में अचल रहते हुए मेरे गुणों का चिंतन करते हैं, प्राप्ति के यत्न करते हैं और मुझे बारंबार नमस्कार करते हुए सदैव मुझसे संयुक्त होकर अनन्य भक्ति से मुझे उपासते हैं, अविरल लगे रहते हैं। कौन सी उपासना करते हैं? कैसा है ये कीर्ति ज्ञान? कोई दूसरी उपासना नहीं, वरन वही यज्ञ जिसे विस्तार से बता आए हैं, उसी आराधना को यहां संक्षेप में योगेश्वर श्री कृष्ण दोहरा रहे हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। उनमें से कोई तो मुझ सर्वव्याप्त विराट परमात्मा को ज्ञान यज्ञ द्वारा यजन करते हैं, अर्थात अपनी लाभ हानि और शक्ति को समझकर इसी नियत कर्म यज्ञ में प्रवृत्त होते हैं। कुछ एकत्व भाव से मेरी उपासना करते हैं कि मुझे इसी में एक होना है, और दूसरे सब कुछ मुझे अलग रखकर मुझे समर्पण करके निष्काम सेवा भाव से मुझे उपासते हैं तथा बहुत प्रकार से उपासते हैं, क्योंकि एक ही यज्ञ के ये सभी ऊंचे नीचे स्तर हैं। यज्ञ का आरंभ सेवा से ही होता है, किंतु उसका अनुष्ठान होता कैसे है? योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ मैं करता हूं, यदि महापुरुष रथी न हो तो यज्ञ पार नहीं लगेगा। उन्हीं के निर्देशन में साधक समझ पाता है कि अब वो किस स्तर पर है, कहां तक पहुंच सका है। वस्तुतः यज्ञकर्ता कौन है? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं,
अहम् क्रतुरहम् यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहम् हुतम्। कर्ता मैं हूं। वस्तुतः कर्ता के पीछे प्रेरक के रूप में सदैव संचालित करने वाला इष्ट ही है। कर्ता द्वारा जो पार लगता है मेरी देन है। यज्ञ मैं हूं। यज्ञ आराधना की विधि विशेष है। पूर्ति काल में यज्ञ जिसका सृजन करता है उस अमृत का पान करने वाला पुरुष सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। स्वधा मैं हूं अर्थात अतीत के अनंत संस्कारों का विलय करना, उन्हें तृप्त कर देना मेरी देन है। भवरोग को मिटाने वाली औषधि मैं हूं। मुझे पाकर लोग इस रोग से निवृत्त हो जाते हैं। मंत्र मैं हूं। मन को श्वास के अंतराल में निरोध करना मेरी देन है। इस निरोध क्रिया में तीव्रता लाने वाली वस्तु आज्य अर्थात हवि भी मैं हूं। अग्नि मैं हूं। मेरे ही प्रकाश में मन की सभी प्रवृत्तियां विलय होती हैं तथा हवन अर्थात समर्पण भी मैं ही हूं। यहां योगेश्वर श्री कृष्ण बार बार मैं हूं कह रहे हैं। इसका आशय मात्र इतना है कि मैं ही प्रेरक के रूप में आत्मा से अभिन्न होकर खड़ा हो जाता हूं तथा निरंतर निर्णय देते हुए योग क्रिया को पूर्ण कराता हूं। इसी का नाम विज्ञान है। पूज्य महाराज जी कहा करते थे कि जब तक इष्ट देव रथी होकर श्वास प्रश्वास पर रोकथाम न करने लगे तब तक भजन आरंभ ही नहीं होता। कोई लाख आंख मूंदे भजन करे, शरीर को तपा डाले, लेकिन जब तक जिस परमात्मा की हमें चाह है वो जिस सतह पर हम खड़े हैं उस स्तर पर उतरकर आत्मा से अभिन्न होकर जागृत नहीं हो जाता तब तक सही मात्रा में भजन का स्वरूप समझ में नहीं आता। इसीलिए महाराज जी कहते थे मेरे स्वरूप को पकड़ो मैं सब दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं सब मुझसे होता है। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रमोकार ऋक्साम यजुरेव च। अर्जुन मैं ही संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला, पिता अर्थात पालन करने वाला, माता अर्थात उत्पन्न करने वाला, पितामह अर्थात मूल उद्गम हूं जिसमें सभी प्रवेश पाते हैं और जानने योग्य पवित्र ओंकार अर्थात जो अहम आकार इति ओंकार वो परमात्मा मेरे स्वरूप में है। सोहम तत्वमसि इत्यादि एक दूसरे के पर्याय हैं। ऐसा जानने योग्य स्वरूप मैं ही हूं। ऋक अर्थात संपूर्ण प्रार्थना, साम अर्थात समत्व दिलाने वाली प्रक्रिया, यजुः अर्थात यजन की विधि विशेष भी मैं ही हूं। योग अनुष्ठान के उक्त तीनों आवश्यक अंग मुझसे होते हैं। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। हे अर्जुन, गति ही अर्थात प्राप्त होने योग्य परम गति, भर्ता भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, साक्षी अर्थात दृष्टा रूप में स्थित सबको जानने वाला, सबका वास स्थान शरण लेने योग्य, अकारण प्रेमी मित्र, उत्पत्ति और प्रलय अर्थात शुभाशुभ संस्कारों का विलय तथा अविनाशी कारण मैं ही हूं अर्थात अंत में जिनमें प्रवेश मिलता है वे सारी विभूतियां
मैं ही हूं। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। मैं सूर्य रूप से तपता हूं, वर्षा को आकर्षित करता हूं, मृत्यु से परे अमृतत्व तथा मृत्यु, सत और असत सब कुछ मैं ही हूं। अर्थात जो परम प्रकाश प्रदान करता है वो सूर्य मैं ही हूं। कभी कभी भजने वाले मुझे असत भी मान बैठते हैं, वे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार कहते हैं, त्रय विद्या माम सोम पाह भूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यां दिवि देवभोगा। आराधना विद्या के तीनों अंग ऋक साम और यजु अर्थात प्रार्थना समत्व की प्रक्रिया और यजन का आचरण करने वाले, सोम अर्थात चंद्रमा के क्षीण प्रकाश को पाने वाले, पाप से मुक्त होकर पवित्र हुए पुरुष उसी यज्ञ की निर्धारित प्रक्रिया द्वारा मुझे इष्ट रूप में पूजकर स्वर्ग के लिए प्रार्थना करते हैं। यही असत की कामना है जिससे वे मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनका पुनर्जन्म होता है। जैसा पिछले श्लोक में योगेश्वर ने बताया, वे पूजते मुझे ही हैं, उसी निर्धारित विधि से पूजते हैं, किंतु बदले में स्वर्ग की याचना करते हैं। वे पुरुष अपने पुण्य के फल स्वरूप इंद्रलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में देवताओं के दिव्य भोग भोगते हैं, अर्थात ये भोग भी मैं ही देता हूं। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामालभन्ते। वे उस विशाल स्वर्ग को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार त्रयी धर्मम प्रार्थना समत्व एवं यजन की तीनों विधियों से एक ही यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले मेरे शरण हुए भी कामना वाले पुरुष बारंबार जाने आने को अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। अतः किसी प्रकार की कामना नहीं करनी चाहिए। जो कामना नहीं करते उन्हें क्या मिलता है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से मुझ में स्थित भक्तजन मुझ परमात्म स्वरूप का निरंतर चिंतन करते हैं, पर्युपासते लेश मात्र भी त्रुटि न रखकर मुझे उपासते हैं। उन नित्य एक ही भाव से संयुक्त हुए पुरुषों का योग क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं, अर्थात उनके योग की सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी मैं अपने हाथ में लेता हूं। इतना होने पर भी लोग अन्य देवताओं को भजते हैं। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। कौन्तेय श्रद्धा से युक्त हुए जो भक्त दूसरे दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझे ही पूजते हैं, किंतु उनका वो पूजना अविधि पूर्वक है,
मेरी प्राप्ति की विधि से रहित है। यहां योगेश्वर श्री कृष्ण ने दूसरी बार देवताओं के प्रकरण को लिया है। सर्वप्रथम अध्याय 7 के 20वें से 23वें श्लोक तक उन्होंने कहा, अर्जुन, कामनाओं द्वारा जिनके ज्ञान का अपहरण कर लिया गया है, ऐसे मूढ़ बुद्धि पुरुष अन्य देवताओं की पूजा करते हैं और जहां पूजा करते हैं वहां देवता नाम की सक्षम सत्ता तो है नहीं, परंतु पीपल, पत्थर, भूत, भवानी अथवा अन्यत्र जहां उनकी श्रद्धा झुक जाती है वहां कोई देवता नहीं है, मैं ही सर्वत्र हूं। उस स्थान पर मैं ही खड़ा होकर उनकी देव श्रद्धा को उन स्थानों पर स्थिर करता हूं। मैं ही फल का विधान करता हूं, फल देता हूं। फल निश्चित मिलता है किंतु उनका फल नाशवान है। आज है तो कल भोगने में आ जाएगा, नष्ट हो जाएगा, जबकि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। अतः वे मूढ़ बुद्धि जिनके ज्ञान का अपहरण हो गया है वही अन्य देवता की पूजा करते हैं। प्रस्तुत अध्याय 9 के 23 से 25वें श्लोक तक योगेश्वर श्री कृष्ण पुनः दोहराते हैं, अर्जुन, जो श्रद्धा से अन्य अन्य देवताओं को पूजते हैं वे मुझे ही पूजते हैं किंतु अविधि पूर्वक है। अब प्रश्न उठता है कि जब वे भी प्रकारांतर से आपको ही पूजते हैं और फल भी मिलता ही है तो दोष क्या है? अहम् हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्चवन्ति ते। संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता अर्थात यज्ञ जिसमें विलय होते हैं, यज्ञ के परिणाम में जो मिलता है वो मैं हूं और स्वामी भी मैं ही हूं, परंतु वे मुझे तत्व से भली प्रकार नहीं जानते, इसलिए च्यवन्ति गिरते हैं, अर्थात वे कभी अन्य देवताओं में गिरते हैं और तत्व से जब तक नहीं जानते तब तक कामनाओं से भी गिरते हैं। उनकी गति क्या है? यान्ति देवव्रता देवान् पितृन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। अर्जुन, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। देवता हैं तो परिवर्तित सत्ता, वे अपने सद्कर्मानुसार जीवन व्यतीत करते हैं। पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, अर्थात अतीत में उलझे रहते हैं। भूतों को पूजने वाले भूत होते हैं, शरीर धारण करते हैं और मेरा भक्त मुझे प्राप्त होता है। वे मेरे साक्षात स्वरूप होते हैं, उनका पतन नहीं होता। इतना ही नहीं, मेरी पूजा का विधान भी सरल है। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहितं अश्नामि प्रयतात्मनः। भक्ति का आरंभ यहीं से है कि पत्र, पुष्प, फल, जल इत्यादि जो कोई मुझे भक्तिपूर्वक अर्पित करता है, मन से प्रयत्न करने वाले उस भक्त का वो सब मैं खाता हूं, अर्थात स्वीकार करता हूं। इसलिए यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। अर्जुन, तू जो कर्म अर्थात यथार्थ कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, समर्पण करता है, दान देता है, मन सहित इंद्रियों को जो मेरे अनुरूप तपाता है, वो सब मुझे अर्पण कर, अर्थात मेरे प्रति समर्पित होकर ये सब कर।
समर्पण करने से योग के क्षेत्र की जिम्मेदारी मैं ले लूंगा। शुभा शुभ फलैरेवम् मोक्ष्यसे कर्म बन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। इस प्रकार सर्वस्व के न्यास सन्यास योग से युक्त हुआ तू शुभाशुभ फलदाता कर्मों के बंधन से मुक्त होकर मुझे प्राप्त होगा। उपर्युक्त तीन श्लोकों में योगेश्वर श्री कृष्ण ने क्रमबद्ध साधन और उसके परिणाम का चित्रण किया है। पहले पत्र पुष्प फल जल का पूर्ण श्रद्धा से अर्पण, दूसरे समर्पित होकर कर्म का आचरण और तीसरे पूर्ण समर्पण के साथ सर्वस्व का त्याग। इनके द्वारा कर्म बंधन से विमुक्त अर्थात विशेष रूप से मुक्त हो जाएगा। मुक्ति से मिलेगा क्या? बताया, मुझे प्राप्त होगा। यहां मुक्ति और प्राप्ति एक दूसरे के पूरक है। आपकी प्राप्ति ही मुक्ति है तो उससे लाभ। इस पर कहते हैं, समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या महिते तेषु चाप्यहम्। सृष्टि में न मेरा कोई प्रिय है और न अप्रिय है, किंतु जो अनन्य भक्त है वो मुझ में है और मैं उसमें हूं। यही मेरा एकमात्र रिश्ता है, उसमें परिपूर्ण हो जाता हूं। मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता। तब तो बहुत भाग्यशाली लोग ही भजन करते होंगे। भजन करने का अधिकार किसे है? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। यदि अत्यंत दुराचारी भी अनन्य भाव से अर्थात अन्य धन न मेरे सिवाय किसी अन्य वस्तु या देवता को न भजकर केवल मुझे ही निरंतर भजता है वो साधु ही मानने योग्य है। अभी वो साधु हुआ नहीं है, किंतु उसके हो जाने में संदेह भी नहीं है, क्योंकि वो यथार्थ निश्चय से लग गया है। अतः भजन आप भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आप मनुष्य हो, क्योंकि मनुष्य ही यथार्थ निश्चय वाला है। गीता पापियों का उद्धार करती है और वो पथिक, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। इस भजन के प्रभाव से वो दुराचारी भी शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, परम धर्म परमात्मा से संयुक्त हो जाता है तथा सदैव रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। कौन्तेय, तो निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। यदि एक जन्म में पार नहीं लगा तो अगले जन्मों में भी वही साधन करके शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त होता है। अतः सदाचारी दुराचारी सभी को भजन करने का अधिकार है। इतना ही नहीं अपितु, माम हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिस्यु पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः ते पियान्ति परां गतिम्। पार्थ, स्त्री वैश्य शूद्रादि
तथा जो कोई पाप योनि वाले भी हो, वे सभी मेरे आश्रित होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः ये गीता मनुष्य मात्र के लिए है, चाहे वो कुछ भी करता हो, कहीं भी पैदा हुआ हो, सबके लिए ये एक समान कल्याण का उपदेश करती है। गीता सार्वभौम है। पाप योनि अध्याय 16 के 7वें से 21वें श्लोक तक आसुरी वृत्ति के लक्षणों के अंतर्गत भगवान ने बताया कि जो शास्त्र विधि का त्याग कर नाम मात्र के यज्ञों द्वारा दंभ से यजन करते हैं, वे नरों में अधम है। यज्ञ है नहीं किंतु नाम दे रखा है और दंभ से यजन करता है, वो क्रूर कर्मी और पापाचारी अर्थात पाप योनि है। वैश्य शूद्र भगवत पथ की सीढ़ियां हैं। स्त्रियों के प्रति कभी सम्मान कभी हीनता की भावना रही है, किंतु योग प्रक्रिया में स्त्री और पुरुष दोनों का समान ही प्रवेश है। किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकं इमं प्राप्य भजस्व माम। फिर तो ब्राह्मण तथा राजर्षि क्षत्रिय श्रेणी के भक्तों के लिए कहना ही क्या है। ब्राह्मण एक अवस्था विशेष है जिसमें ब्रह्म में प्रवेश दिला देने वाली सारी योग्यताएं विद्यमान है। शांति, आर्जव, अनुभवी, उपलब्धि, ध्यान और इष्ट के निर्देशन पर जिसमें चलने की क्षमता है, यही ब्राह्मण की अवस्था है। राजर्षि क्षत्रिय में रिद्धियों सिद्धियों का संचार, शौर्य, स्वामी भाव, पीछे न हटने का स्वभाव रहता है। इस योग स्तर पर पहुंचे हुए योगी तो पार होते ही हैं, उनके लिए क्या कहना है। अतः अर्जुन, तू सुख रहित क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर मेरा ही भजन कर। इस नश्वर शरीर के ममत्व पोषण में समय नष्ट न कर। अतः वे भजन की धारणा पर प्रोत्साहन देते हैं। मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि उक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। अर्जुन, मेरे में ही मन वाला हो, सिवाय मेरे दूसरे भाव मन में ना आने पाए। मेरा अनन्य भक्त हो, अनवरत चिंतन में लग, श्रद्धा सहित मेरा ही निरंतर पूजन कर और मेरे को ही नमस्कार कर। इस प्रकार मेरे शरण हुआ आत्मा को मुझ में एक ही भाव से स्थित कर तू मुझे ही प्राप्त होगा, अर्थात मेरे साथ एकता प्राप्त करेगा। निष्कर्ष। इस अध्याय के आरंभ में श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुझ दोष रहित भक्त के लिए मैं इस ज्ञान को विज्ञान सहित कहूंगा, जिसे जानकर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। इसे जानकर तू संसार बंधन से छूट जाएगा। यह ज्ञान संपूर्ण विद्याओं का राजा है। विद्या वह है जो परब्रह्म में प्रवेश दिलाए। यह ज्ञान उसका भी राजा है, अर्थात निश्चित कल्याण करने वाला है। यह संपूर्ण गोपनीयों का भी राजा है, गोपनीय वस्तु को भी प्रत्यक्ष कराने वाला है। यह प्रत्यक्ष फल वाला साधन करने में सुगम और अविनाशी है। इसका थोड़ा भी साधन आपसे पार लग जाए तो इसका कभी नाश नहीं होता, वरन इसके प्रभाव से वह परम श्रेय तक पहुंच जाता है। किंतु इसमें एक शर्त है, श्रद्धा विहीन पुरुष परम गति को प्राप्त न होकर संसार चक्र में भटकता है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने योग के ऐश्वर्य पर भी प्रकाश डाला। दुख के संयोग का वियोग ही योग है, अर्थात जो संसार के संयोग वियोग से सर्वथा रहित है उसका नाम योग है। परम तत्व परमात्मा के मिलन का नाम योग है।
परमात्मा की प्राप्ति ही योग की पराकाष्ठा है। जो इसमें प्रवेश पा गया उस योगी के प्रभाव को देख कि संपूर्ण भूतों का स्वामी और जीवधारियों का पोषण करने वाला होने पर भी मेरा आत्मा उन भूतों में स्थित नहीं है, मैं आत्मस्वरूप में स्थित हूं, वही हूं जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला वायु आकाश में ही स्थित है किंतु उसे मलिन नहीं कर पाता, उसी प्रकार संपूर्ण भूत मुझमें स्थित है लेकिन मैं उनमें लिप्त नहीं हूं। अर्जुन, कल्प के आदि में मैं भूतों को विशेष प्रकार से रचता हूं, सजाता हूं और कल्प के पूर्ति काल में संपूर्ण भूत मेरी प्रकृति को अर्थात योगारूढ़ महापुरुष की रहनी को उनके अव्यक्त भाव को प्राप्त होते हैं। यद्यपि महापुरुष प्रकृति से परे हैं, किंतु प्राप्ति के पश्चात स्वभाव अर्थात स्वयं में स्थित रहते हुए लोक संग्रह के लिए जो कार्य करता है वह उसकी एक रहनी है। इसी रहनी के कार्यकलाप को उस महापुरुष की प्रकृति कहकर संबोधित किया गया है। एक रचयिता तो मैं हूं जो भूतों को कल्प के लिए प्रेरित करता हूं और दूसरी रचयिता त्रिगुणमयी प्रकृति है जो मेरे अध्यास से चराचर सहित भूतों को रचती है। यह भी एक कल्प है जिसमें शरीर परिवर्तन, स्वभाव परिवर्तन और काल परिवर्तन निहित है। इस प्रकार कल्प दो प्रकार के हैं, एक तो वस्तु का शरीर और काल का परिवर्तन कल्प है, यह परिवर्तन प्रकृति ही मेरे आभास से करती है, किंतु इससे महान कल्प जो आत्मा को निर्मल स्वरूप प्रदान करता है उसका श्रृंगार महापुरुष करते हैं। वे अचेत भूतों को सचेत करते हैं। भजन का आदि ही इस कल्प का आरंभ है और भजन की पराकाष्ठा कल्प का अंत है। जब यह कल्प भवरोग से पूर्ण निरोग बनाकर शाश्वत ब्रह्म में प्रवेश अर्थात स्थिति दिला देता है, उस प्रवेश काल में योगी मेरी रहनी और मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्राप्ति के पश्चात महापुरुष की रहनी ही उसकी प्रकृति है। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते, मुझ ईश्वरों के ईश्वर को भी तुच्छ समझते हैं, साधारण मनुष्य मानते हैं। प्रत्येक महापुरुष के साथ यह विडंबना रही है कि तत्कालीन समाज ने उनकी उपेक्षा की, उनका डटकर विरोध हुआ। श्री कृष्ण भी इसके अपवाद नहीं थे। वे कहते हैं, मैं परम भाव में स्थित हूं किंतु शरीर मेरा भी मनुष्य का ही है, अतः मूढ़ पुरुष मुझे तुच्छ कहकर मनुष्य कहकर संबोधित करते हैं। ऐसे लोग व्यर्थ आशा वाले, व्यर्थ कर्म वाले, व्यर्थ ज्ञान वाले हैं कि कुछ भी करें और कह दें कि हम तो कामना नहीं करते, हो गए निष्काम कर्मयोगी। वे आसुरी स्वभाव वाले मुझे नहीं परख पाते किंतु दैवी संपद को प्राप्त जन अनन्य भाव से मेरा ध्यान करते हैं, मेरे गुणों का निरंतर चिंतन करते हैं। अनन्य उपासना अर्थात यज्ञार्थ कर्म के दो ही मार्ग हैं। पहला है ज्ञान मार्ग अर्थात अपने भरोसे अपनी शक्ति को समझकर उसी नियत कर्म में प्रवृत्त होना और दूसरी विधि स्वामी सेवक भावना की है, जिसमें सद्गुरु के प्रति समर्पित होकर वही कर्म किया जाता है। इन्हीं दो दृष्टियों से लोग मुझे उपासते हैं, किंतु उनके द्वारा जो पार लगता है वह यज्ञ, वह हवन, वह कर्ता, श्रद्धा और औषधि जिससे भावरोग की चिकित्सा होती है मैं ही हूं। अंत में जो गति प्राप्त होती है वह गति भी मैं ही हूं। इसी यज्ञ को लोग त्रैविद्या प्रार्थना, यजन और समत्व दिलाने वाली विधियों से संपादित करते हैं, किंतु बदले में स्वर्ग की कामना करते हैं तो मैं स्वर्ग भी देता हूं। उसके स्वभाव से वे इंद्रपद प्राप्त कर लेते हैं, दीर्घ काल तक उसे भोगते हैं किंतु पुण्य क्षीण होने पर वे पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। उनकी क्रिया सही थी किंतु भोगों की कामना रहने पर पुनर्जन्म पाते हैं, अतः भोगों की कामना नहीं करनी चाहिए।
जो अनन्य भाव से अर्थात मेरे सिवाय दूसरा है ही नहीं, ऐसे भाव से जो निरंतर मेरा चिंतन करते हैं, लेश मात्र भी त्रुटि न रह जाए, ऐसे जो भजते हैं उनके योग की सुरक्षा का भार मैं अपने हाथ में ले लेता हूं। इतना होने पर भी कुछ लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वह मेरी प्राप्ति की विधि नहीं है। वे संपूर्ण यज्ञों के भोक्ता के रूप में मुझे नहीं जानते, अर्थात उनकी पूजा के परिणाम में मैं नहीं मिलता, इसीलिए उनका पतन हो जाता है। वे देवता, भूत अथवा पितरों के कल्पित रूप में निवास करते हैं, जबकि मेरा भक्त साक्षात मुझ में निवास करता है, मेरा ही स्वरूप हो जाता है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस यज्ञार्थ कर्म को अत्यंत सुगम बताया कि कोई फल फूल या जो भी श्रद्धा से देता है उसे मैं स्वीकार करता हूं। अतः अर्जुन, तू जो कुछ आराधना करता है मुझे समर्पित कर। जब सर्वस्व का न्यास हो जाएगा तब योग से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा, और वह मुक्ति मेरा ही स्वरूप है। दुनिया में सब प्राणी मेरे ही हैं, किसी भी प्राणी से न मुझे प्रेम है न द्वेष, मैं तटस्थ हूं, किंतु जो मेरा अनन्य भक्त है मैं उसमें हूं, वो मुझ में है। अत्यंत दुराचारी जघन्यतम पापी ही कोई क्यों ना हो, फिर भी अनन्य श्रद्धा भक्ति से मुझे भजता है तो वह साधु मानने योग्य है। उसका निश्चय स्थिर है तो वह शीघ्र ही परम से संयुक्त हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। यहां श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि धार्मिक कौन है। सृष्टि में जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी अनन्य भाव से एक परमात्मा को भजता है, उसका चिंतन करता है तो वह शीघ्र ही धार्मिक हो जाता है। अतः धार्मिक वह है जो एक परमात्मा का सुमिरन करता है। अंत में आश्वासन देते हैं, अर्जुन, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। कोई शूद्र हो, नीच हो, आदिवासी हो या अनादिवासी या कुछ भी नामधारी हो, पुरुष अथवा स्त्री हो अथवा पाप योनि तिर्यक योनि वाला भी जो हो, मेरी शरण होकर परम श्रेय को प्राप्त होता है। इसलिए अर्जुन, सुख रहित क्षण भंगुर किंतु दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर मेरा भजन कर, फिर तो जो ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली योग्यताओं से युक्त है, उस ब्राह्मण तथा जो राजर्षित्व के स्तर से भजने वाला है, ऐसे योगी के लिए कहना ही क्या है, वह तो पार ही है। अतः अर्जुन, निरंतर मुझ में मन वाला हो, निरंतर नमस्कार कर, इस प्रकार मेरी शरण में हुआ तू मुझे ही प्राप्त होगा, जहां से पीछे लौटकर नहीं आना पड़ता। प्रस्तुत अध्याय में उस विद्या पर प्रकाश डाला गया जिसे श्री कृष्ण स्वयं जागृत करते हैं। यह राज विद्या है जो एक बार जागृत होने पर निश्चित कल्याण करती है। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद् गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या जागृति नाम नवमोध्यायः। इस प्रकार स्वामी अड़गड़ानंद कृत श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य यथार्थ गीता का नवा अध्याय पूर्ण होता है। हरिओम।